नमस्कार सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का स्वागत है आज की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अलग अलग ज़िलों से अलग अलग परियोजनाओं से जो खबर निकल के आ रही है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम और आप जानते ही हैं कि बिहार में जो आंगनबाड़ी हड़ताल चल रही है उसमें काफ़ी सारी असमंजस देखने को मिल रही है। कहीं पे सेविका बहन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने की शपथ ले रही हैं तो कहीं पे सेविका बहनों को चयन मुक्त भी किया जा रहा है। तो इस प्रकार के जो तमाम खबरें हैं वो मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर। तो सबसे पहले हम आपको गया ज़िले की खबर दिखाते हैं, उसके बाद आपको एक और ज़िले की खबर दिखाएंगे। ये जो खबर आप देख रहे हैं वो गया ज़िले की खबर है, जहां पे अलग अलग परियोजनाओं में जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी उनको चयन मुक्त कर दिया गया है। देख सकते हैं लिखा गया है बड़ा सा शीर्षक, हड़ताल कर रही चार प्रोजेक्ट की 1448 सेविका व सहायिका बहनों को चयन मुक्त कर दिया गया है, जो कि ये बहुत ही दुखद घटना है। जो सेविका बहन अपनी मांगों को ले अपनी लड़ाई लड़ रही थी उनको चयन मुक्त कर दिया गया है। आइए पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। तो यहाँ पे आगे आप लोगों को दिखाएंगे चार जो परियोजनाएं हैं उनमें कितनी सेविका कितनी सहायिकाएं और कौन कौन से प्रखंड की सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त किया गया है। वीडियो जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए लिखा गया है ICDS की चार परियोजना में कार्यरत 1448 सेविका सहायिका को चयन मुक्त कर दिया गया है। इनका चयन मुक्त करने का प्रस्ताव संबंधित CDPO ने DPO को भेजा था। CDPO के प्रस्ताव के आधार पर DPO ICDS ने सेविका सहायिका को चयन मुक्त करने की कार्रवाई की है। चयन मुक्त होने वाली 775 सेविका और 673 सेविकाएं हैं। जानकारी के अनुसार पिपरा कोठी प्रखंड की 84 सेविका और 75 सहायिका, मोतिहारी ग्रामीण परियोजना की 251 सेविका और 226 सहायिका, चकिया परियोजना की 220 सेविका और 184 सहायिका तथा केसरिया परियोजना की 220 सेविका और 188 सहायिका को चयन मुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में पत्र निर्गत कर संबंधित CDPO को भेज दिया गया है। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो गया ज़िले की चार परियोजनाएं हैं जहां पर 1448 सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त किया गया है, तो जो भी इस परियोजनाएं की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएँ हमारी वीडियो को देख रही हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि क्या आपको चयन मुक्त किया गया है। और इस प्रखंड की जो जिलाध्यक्ष हैं प्रियंका कुमारी वो बता रही हैं कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जो जिलाध्यक्ष प्रियंका कुमारी है उन्होंने कहा कि सरकार अंग्रेजी हुकूमत चला रही है, राज्य में अंग्रेजों की तरह शासन चल रहा है। हमने मंत्रालय सरकार के सचिव DPO व CDPO को पत्र देकर हड़ताल शुरू की, क्या हम अपनी मांग सरकार के पास नहीं रख सकती? हमारा आंदोलन अब और तेज होगा, रेल रोको चक्का रोको के साथ हम सड़क पर उतरेंगे। सरकार जब हमें पूरे राज्य से हटा दे तो CDPO DPO सचिव मंत्री व मंत्रालय को भी हटा दें, जब हम ही नहीं रहेंगे तो इनका कोई काम ही नहीं है। तो इस ज़िले की जो जिलाध्यक्ष हैं प्रियंका कुमारी वो बता रही हैं कि हमने आंगनबाड़ी हड़ताल से पहले जो भी मंत्रालय है सचिव है CDPO DPO सबको पत्र देकर हड़ताल शुरू की है, तो फिर ये चयन मुक्त की प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है? जब चयन मुक्त करना है तो पूरे बिहार की सेविकाओं सहायिकाओं को चयन मुक्त किया जाए, वो अपनी मांगों को लेकर ही तो आवाज़ उठा रही हैं। तो इस प्रकार की जो तमाम खबरें हैं वो अलग अलग परियोजनाओं से निकल के आ रही है। तो चलिए अब हम आपको अगले ज़िले की खबर दिखाते हैं। जो ये खबर है वो छपरा ज़िले की है, जिला प्रोग्राम कार्यालय के तरफ से एक लेटर भेजा गया है और इसमें क्या कहा जा रहा है आइए आपको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सारण छपरा, सेवा में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सारण छपरा। विषय यहाँ पे देखेंगे तो विषय बहुत ही चिंताजनक है, हड़ताल से वापस नहीं आने वाली सेविका सहायिकाओं की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो जो भी सेविका सहायिकाएँ हड़ताल पर हैं उनको अलग अलग प्रकार से जो विभाग है ऊपर से दबाव दे रहा है कि आप लोग अपने हड़ताल से वापस आ जाइए, नहीं तो आपको चयन मुक्त कर दिया जाएगा। आगे लिखा गया है उपरोक्त विषय में कहना है कि हड़तालरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो सूचना के बावजूद अब तक हड़ताल से वापस नहीं लौटी हैं उनकी सूची चयन मुक्ति की अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि उसके चयन मुक्ति की कार्रवाई कर विभाग को सूचित किया जा सके।
तो ये जो लेटर है वो जिला प्रोग्राम कार्यालय छपरा की ओर से लेटर ये भेजा गया था। तो इस प्रकार से तमाम अलग अलग जो ज़िले हैं, तमाम अलग अलग जो परियोजनाएं हैं, जहां पर सेविकाओं को हड़ताल से वापस आने के लिए कई प्रकार की दबाव देखने को मिल रही है, तो आप लोगों का जो राय हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रकार से आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को दबाया जाएगा तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहन अपनी मांग को कैसे पूरा कर पाएंगी। आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर कीजिए और इसी प्रकार से हमारे न्यूज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।